कभी देखा है ऐसा नजारा, दो दो ट्रेन और दोनों मालगाड़ियां देखिए किस तरीके से चली आ रही हैं। और यहां पर मैं आपको बता दूं, जो ट्रेन बड़ी तेजी से आगे बढ़ चुकी है और निकलती हुई नजर आ रही है वो भारतीय रेलवे के ट्रैक पर है, और जो सामने आती हुई नजर आ रही है ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के ट्रैक पर है। और जिस जगह की ये तस्वीरें हैं, अगर उस जगह की हम बात करें तो ये राजस्थान का सेंद्रा रेलवे स्टेशन है। सेंद्रा रेलवे स्टेशन के FOB से ये वीडियो लिया गया है, और यहाँ पर अब जो ट्रेन निकलती नजर आ रही है वो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की ट्रेन है। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का नजारा है। यहाँ पर ट्रायल के तौर पर न्यू पालनपुर से मदार के बीच में ये ट्रेन चलाई गई है, और ये ट्रेन पेट्रोलियम टैंकर ट्रेन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो दो डीजल इंजन इसको खींच रहे हैं, और ये अपने आप में काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। और इस मालगाड़ी में हाई स्पीड डीजल ले जाया जा रहा है, यानी यह मालगाड़ी पेट्रोलियम टैंकर मालगाड़ी है। इसको हरियाणा के बावल ले जाया जा रहा है, तो यहाँ जबरदस्त दृश्य है ये। और न्यू पालनपुर और मदार के बीच में ये पहली मालगाड़ी है जिसको ट्रायल के तौर पर पूरे सेक्शन पर चलाया जा रहा है। इस रेल सेक्शन की अगर हम बात करें तो न्यू पालनपुर से लेकर मदार के बीच में 353 किलोमीटर का नया सेक्शन, यानी वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का ये नया सेक्शन तैयार है, पूरी तरीके से तैयार है, और इसमें ये ट्रायल चल रहा है। और ये सेक्शन अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अगर हम इसको रेवाड़ी से मदार के बीच वाले सेक्शन से जोड़ दें तो एक लंबा रेल सेक्शन खुल जाने की उम्मीद बन गई है, क्योंकि अब इस पर सारा काम हो चुका है। यानी गुजरात वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से सीधा सीधा जुड़ जाएगा। और हम आपको बता दें, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के पहले हिस्से का उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था बीते दिसंबर और जनवरी के महीने में। तब से वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को लेकर लोगों की खासी उम्मीदें हैं, और यहां पर इस ट्रेन को आप जाते हुए देख रहे हैं। और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि न्यू पालनपुर से मदार के बीच में वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की लागत की अगर हम बात करते हैं तो यह हिस्सा 7020 करोड़ रुपए में बनकर तैयार हुआ है। इसमें भूमि अधिग्रहण की कीमत शामिल नहीं है।